हम जितना ही अच्छा सामान चुरा के लाएंगे, चाहे वो सोना हो डायमंड हो, फिर भी कहीं ना कहीं मन के अंदर आपको लगेंगे कि ये सामान मैंने चुरा के लाया है, ये मैंने अपने मेहनत से नहीं कमाया है। जिस तरीके से एक ईमानदारी से कमाया हुआ चीज और चोरी का चीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। सो हेलो एवरीवन, इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, द समरी ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बाय विलियम सारोयन। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। The central idea of the story, The Summer of the White Beautiful Horse, is the importance of honesty and integrity in the face of difficult choices. The Summer of the White Beautiful Horse, इसके ये कहानी के central idea में हमें ये जानने को मिलते हैं कि honesty and integrity, integrity का मतलब एक ऐसी high moral value अपने अंदर रखना, इसको हमें हिंदी में अखंडता भी कहते हैं, और honesty तो अभी obviously आप लोग जानते हैं, right? ईमानदारी, इन दोनों चीज के importance के बारे में हमें जानने को मिलते हैं। अब ये दोनों चीजें हमें कब इस चीज का इम्पोर्टेंस पता चलता है, जब हमें हमारी लाइफ में डिफिकल्ट चॉइस को फेस करना पड़ता है, इस समय हमें ये दोनों चीजों का इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो इस चीज के बारे में यहाँ पर हमें जानने को मिलते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मेन कैरेक्टर आरम एंड हिज ब्रदर मोनार्ड, हु कम अक्रॉस ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स दैट दे ग्रेटली डिजायर। ये स्टोरी जो है हमारी मेन कैरेक्टर आरम एंड हिज कजन मोनार्ड, ये दोनों के बीच में ही ये रिवॉल्व करते है ये स्टोरी। और जब ये दोनों सुंदर एक व्हाइट हॉर्स के आगे आता है और ये दोनों इस घोड़े को बहुत ही चाहते हैं। However, they soon discover that the horse has been stolen and must take a decision about what to do with it. जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया था कि चुराया हुआ जितना भी अच्छा सामान हो वो कहीं ना कहीं आपको बुरा महसूस करवाता है, तो सिमिलरली ये दोनों उस हॉर्स को चुरा कर लाया था, ठीक है, एंड मजे करते हैं इस घोड़े के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में जाकर इन लोगों ने डिसीजन लेना पड़ता है कि इस घोड़े के साथ क्या किया जाए। Ultimately, they choose to return the horse to its rightful owner, even though it means giving up something they deeply desire. Finally, ये दोनों उस घोड़े को उसके rightful owner को लौटा देते हैं, भले ही इन लोगों ने उस घोड़े को कितना भी चाहा हो, कितना भी पसंद किया हो, फिर भी ये दो उस घोड़े को लौटा देते हैं। This decision highlights the theme of moral courage and the value of doing what is right even in the challenging circumstances. So, ये decision जो इन लोगों ने उस घोड़े को लौटाने का decision लिया था, ये decision किस चीज़ को highlight करता है? एक courage को highlight करता है, courage को highlight करता है, and एक value of doing what is right जो सही है उस चीज को करने का एक वैल्यू को हाईलाइट करते हैं। सिचुएशन जैसा भी हो, जितना ही चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हो, जितना ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो, फिर भी अगर आप लोग सही करते हैं तो राइट इज ऑलवेज राइट। द स्टोरी एम्फसाइजेस द आइडिया दैट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सनल गेन। सो अंत में स्टोरी जो है हमें एक आइडिया को एम्फसाइज करते है कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी जो है हमारी पर्सनल गेन जो होता है उसी से बढ़कर होते हैं। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा सेंट्रल आइडिया समझ में आएगा। सो दूसरा वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।